आज बेगम साहब की ख्वाहिश भी मैंने पूरी कर दी, ये आज बड़ी खुश है कि आज जिस दिन पुलाव बनते हैं उस दिन मैं हैप्पी होती हूँ। हैप्पी होती बिल्कुल। कैसे उम्मीद करते सब खैर से हमारी दुआएं जहां रहे खुश रहे। तो अभी होने वाला है शाम का टाइम, तो ये देखे सूरज जो है ना माशाल्लाह ढलने वाला है। देखे अभी थोड़ा सा बचा हुआ है और अभी मैं जाने लगा हूँ। छोटी यहाँ पे शॉप है, दुकान है, वहां से लेते हैं चावल। आज बनाते हैं चावल क्योंकि बेगम साहब ने कहा चावल पकाने, तो चलते हैं जी चावल लेके आते हैं, वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये देखे जी माशाल्लाह फूल कितने जबरदस्त है। यहाँ जी हमारी छोटी सी शॉप है दुकान, ये देखे। अस्सलाम वालेकुम। दो किलो चावल दे दो और हाँ जी बस, तो मैं घर आ चुका हूँ तो ये ले चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे अल्लाह के करम से। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी चावल आ गए हैं और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, आज हमें लेट हो गई है। तो अभी मैंने कहा लेट हो गई है तो जो है वो आप चावल लेके आए। हाँ जी बेटा आज लेट हो गए थे, लेट होने की वजह से हम कुछ बना नहीं सके और इन्होंने कहा जी चावल लेके आए। चावल मैं दो किलो लेके आ गया हूँ और अभी इन्होंने बनाने हैं, फटाफट करके आप बना दें, ठीक हो गया। हाँ जी व्यूअर्स, तो अभी जो है ना ये एक लकड़ी हमारे पास है, इसे हमने कहा है काटना और बेगम साहब सोच रही है कैसे काटूँ मैं। मैं काटूंगा क्या आप काटेंगे? नहीं जी आप काटेंगे, मेरा ही काम नहीं है। अच्छा मैं काटता हूँ। और इस साइड पे अब्दुल हादी छोटे बछड़े को मार रही है, देखे हाँ वो भी छोटा सा है और ये भी छोटा सा। हाँ जी वो बड़े खड़े उनके नज़दीक भी नहीं जाएगा। हाँ जी व्यूअर्स, तो अभी चल जाता पता क्या करती बेगम साहब, कोशिश तो कर रही है, चलो ट्राई तो करें। आधी रात इधर ही हो जाएगी। चले आधी रात हो या सुबह हो कुछ तो करेंगी ना। पीछे हो जाए अब्दुल्ला, अब्दुल्ला जी साइड पे हो जाए ऐसे। हाँ जी बेगम के बस की बात नहीं है, अभी मैं कोशिश करता हूँ। ओके ये कैमरा पकड़े आप। हाँ जी, तो आप जो है वो शहजाद लकड़ी काट रहे हैं, वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे, तो ये मेरे बस का काम ही नहीं था। और शहजाद देखिए इतनी जल्दी से ये काट लेंगे, मुझे तो इतनी मुश्किल लग रही थी। ये देखिए वाह, हाँ जी वीवर, तो ये लकड़ी थी जो मैंने काटी है और अभी बेगम साहब जो है ना आग जलाएंगी और फटाफट ये आग जला लेती है, बाकी काम बाद में देखते हैं। हाँ जी वीवर, तो मैं आ चुका हूँ वापस, मैं गया हुआ था मगरब की नमाज़ पढ़ने के लिए और बेगम साहब ने चावल जो है ना बना लिए और आज बेगम साहब की ख्वाहिश भी मैंने पूरी कर दी, ये आज बड़ी खुश है कि आज हैप्पी होती बिल्कुल। आज ये खुश है कि आज चावल बन गया है, अभी चावल जो ना दम से उतारे जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे रात की रूटीन भी, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी हमारे आलू वाली बिरयानी। हाँ जी आलू वाली बिरयानी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो अभी दही मंगवा लेते हैं और रायता बना के खाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही माशाल्लाह। जब खुशबू अच्छी आ रही है तो बने भी अच्छे हैं। अच्छा जी ये तभी खाऊंगा तो पता चलेगा। क्यों आपको मुझ पे डाउट है? नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता। तो चले वैसे कह रहा हूँ खाऊंगा तो पता चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि मेरे हाथ कैसे चावल बने। वो तो मुझे पता, टेस्ट है आपके हाथ में। वैसे मैं जोर जबरदस्ती आपसे तारीफ करवा रही हूँ। हाँ जी हाँ जी, हर तरफ जी अंधेरा छा चुका है, देखे कहीं भी रोशनी नजर नहीं आ रही और इस साइड पे बल्ब खड़ा हुआ ऊपर, ये देखे और इस साइड पे बेगम साहब बैठी हुई हैं। हाँ जी मैं प्रातः पकड़ के बैठी हूँ, अभी चावल निकालने लगी हैं, ठंडे करने लगी हूँ, बस दही का इंतजार कर रहे हैं, दही आती है तो ठंडे करने, ज्यादा ठंडे ना हो जाए। चलो ठीक होगा। हाँ जी व्यूअर्स, तो दही जो है ना वो मैं लेके आ गया था, ये देखिए जी। और अभी जो हम बनाएंगे रायता, और भूख बहुत ज्यादा लगी मुझे भी और बेगम साहबा को भी लगी, आपको भूख? हाँ जी, तो जल्दी जल्दी रायता बना लेते हैं उसके बाद फिर हम सो जाएंगे। यहाँ पे अब्दुल्ला जो है ना अभी तक जाग रहा है, ये अभी तक नहीं सोया।
हाँ जी व्यूअर, तो दही जो अभी निकाली जा रही है और ये मिर्चें जो है ना इसका पेस्ट वो बन गया है और पेस्ट इसके अंदर डाला जाएगा। व्यूअर तो ये थोड़ी सी दही जो है ना बच गई थी, ये मैंने कभी सुबह के लिए रख ले क्योंकि तो सुबह फिर काम देगी। हाँ जी नाश्ते के साथ। हाँ जी व्यूअर, तो चावल जो है ना माशाल्लाह तैयार हो चुके, बस अभी खाने ही हैं और बेगम साहब सिर्फ मेरा इंतज़ार कर रही थी ऐसे ना। और इनको नींद भी बहुत ज़्यादा मुझे लगती आई खड़ी ऐसे ही। आपको सही लग रहा है नींद? हाँ जी, तो चले जी चावल खा लेते हैं। चावल खाने के बाद जो है ना फिर आप लोगों के साथ मैं वेट कर रही हूं कि आप चावल खाएं और मैं सोऊं। बस जल्दी सोते चले, खैर चावल खा लेते उसके बाद फिर बिस्तरे बना लेते हैं। ये देखे साफ रहता है और ये देखे माशाल्लाह चावल देखे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चले चावल खा लेते उसके बाद फिर आप लोगों से गपशप करते हैं। हाँ जी व्यूअर, तो खाना हमने खा लिया, अभी हो चुका है हमारा सोने का टाइम। बेगम साहब चार पी जो है ना वो साफ़ कर रही हैं, अभी बिस्तरे बिछाएंगी और अंदर जाएंगी, बिस्तरे लेके आएंगे हमारे। यहाँ पे पड़े होते हैं हमारे बिस्तरे, ये देखे आगे सर्दी आने वाली और नीचे रजाइयाँ पड़ी हुई हैं, ये सर्दियों में काम देंगी हमें। और ये कंबल हम अभी भी यूज करते हैं। हाँ कंबल यूज करना पड़ता हमें क्योंकि रात को ठंड पड़ती है ना इसलिए। हाँ जी हाँ जी, बिस्तरे अब बिछाए जा रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत बिस्तर है मेरा। अच्छा जी पंखा मैंने बंद कर दिया क्योंकि वो ना चादर बार बार उड़ रही थी ऐसी है ना। हाँ जी अब दूसरा बिस्तरा जो है वो बिछाया जा रहा है। ये हमने जो हमारे जो ना तकिए है ना इनके ऊपर से कवर उतारे हुए थे क्योंकि वो धोए हैं और इस वजह से अभी तक ऊपर ऊपर कवर जो है ना वो लगाया नहीं हमने। ये देखे हाँ जी व्यूअर, तो अब्दुल्ला जो ना इसने भी खाना शाना खा लिया। हाँ जी अब्दुल्ला ने बहुत माशाल्लाह चावल खाए हैं। हाँ जी पेट भर के, ये भी ना नमकीन चावलों का बहुत शौकीन है और अब्दुल्ला ने आज पेट भर के। अच्छा और ये छिपकली देख रहा है, ये यहाँ पे खड़ी है एक छिपकली वो सामने वो देख के ये से देखी जा रहा है। इसे बड़ा शौक है छिपकली देखने का। तो अभी जी हमारा सोने का टाइम हो चुका है, अब्दुल्ला को सुनाएं। ये अपने दादा के पास था और अभी मैं उनसे जो है उठा के लेके आई हूँ क्योंकि टाइम काफी हो गया है, मैंने कहा सुला देती हूँ। और अब्दुल्ला अभी जो है वो जैन लोगों के पास सोया सो हुआ चुका है अपने कजनों के पास और अब उससे भी अपने बिस्तर पे लेके आते हैं, इससे पहले लिटा देते हैं। हाँ जी अब सो जाओ अब्दुल्ला, ऐसे आंखें बंद करो सो जा आंखें बंद। हाँ जी तो अब अब्दुल्ला हाथी को उठा के ले आते हैं, वो सोए हुए थे उधर। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी रात को हमारे जो गन्ने हैं ये देखें रात का मंजर। और अभी अब्दुल हादी सोया हुआ था, ये सोता है जी मेरे पास यहाँ पे, हम दोनों बाप बेटा सोते हैं। और अब्दुल हादी को जो है मैंने दवाई दे दी थी। हाँ जी इसकी कल की तबीयत खराब थी और वो ऐसे सिरप वगैरह जो ना वो दे दिए थे हमने। क्या करने लगी? हाँ जी व्यूअर, चाय बन रही है, चावल खाए हैं और अभी तक ये हमने बिस्तरे बिछा दिए थे अपने लेकिन अभी तक सोए नहीं थे क्योंकि चाय का ऑर्डर हो गया था और बेगम साहब ने कहा जी मैं चाय बना लेती हूँ और उसके बाद जो काम है बाकी वो कर लेंगे। चले जी। हाँ जी तो ये सबसे पहला कप जो है ये अबू के लिए हमने चाय डाली है और सबसे पहले अबू को देख आते हैं बाद में फिर हम पीते हैं। अच्छा जी तो अब हमारी बारी, हम चाय पी लेते हैं, बाकी सब ने पी ली है। आज मुझे पता नहीं बहुत नींद आ रही है। आपको हर वक्त नींद आती रहती है? बस नहीं आज मैंने कपड़े धोए, जिस दिन कपड़े धो लेना उस दिन ज़रा मैं थक जाती हूँ इसलिए आज मुझे ज़्यादा नींद आ रही। चले चाय पिए और फ्रेश हो जाए और सो जाए। मैंने चाय नहीं पीनी थी उनको तो मैंने सो जाना था बस, मैंने कहा कपड़े धोए थकी हुई इस वजह से मैंने चाय पी। चलें जी चाय पी लेते हैं। हाँ जी व्यूअर, तो अभी बेगम साहब जो ना वो सो गई हैं, बच्चे भी सो गए और मैं अभी करूँगा लाइट बंद क्योंकि लाइट बंद करनी पड़ती है हमें, यहाँ से लाइट बंद करूँगा। ये वाला हमारा बल्ब है और बेगम साहब को तकरीबन 10-15 मिनट हो गए वो सो गई हैं,
उनको कोई टेंशन नहीं, अब बच्चे भी सो गए हैं, बेगम सबा भी सो गई हैं, तो अभी जो बल्ब बंद कर देते हैं हम, बल्ब बंद हो गया, अभी हम कमरे का भी बल्ब बंद कर देते हैं और गुड नाइट, गुड नाइट।